What is basically inheritance in Java? It is basically the process of defining a new object. जो एक नया जो object है, उसको define किया जाता है old object के respect में, ठीक है? मतलब ऐसा है, मान लीजिए हमारे पास एक नया फोन है, ठीक है? Let it be iPhone. iPhone 12, ओके okay. तो इसके अंदर तो कुछ कुछ फीचर्स है ना, देयर आर सर्टेन फीचर्स, सर्टेन फीचर्स इन आईफोन 12, ओके okay. जैसे मान लीजिए कैमरा है, ओके okay. कैमरा फीचर्स, देन सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर डिफरेंट, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं. ये वाला जो फोन है, ये ओल्ड वाला फोन है, ठीक है? अब नया वाला जो और एक मॉडल रिलीज हो रहा है अभी, मान लीजिए आईफोन 13, दिस इज आईफोन 13, ओके. तो आईफोन 13 में क्या हो रहा है, वही है, कैमरा है, फीचर्स सारे के सारे सेम है, ठीक है? बट थोड़ा अपग्रेडेड है वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन है, थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन. सॉफ्टवेयर भी एप्पल का ही सॉफ्टवेयर है, एप्पल का ही सॉफ्टवेयर है, बट अपग्रेडेड वर्जन है, अपग्रेडेड, ओके, अपग्रेडेड वर्जन. ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो न्यू वाला जो फोन है, दिस इज द न्यू फोन एंड दिस इज द ओल्ड फोन, ठीक है? तो ये न्यू फोन को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ओल्ड फोन के रिस्पेक्ट में. भाई इसका जो वर्जन है ना, पता है आईफोन 12 से ज्यादा बेटर है, कैमरा का फीचर्स सेम थिंग, द वर्जन इज बेटर एज कंपेयर टू 12. दिस इज हाउ वी डिफाइन इट. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज डन. हम लोग क्या बोलेंगे भाई, 12 से तो सारे फीचर्स सेम ही है, कैमरा है, फोटो खींच सकते हैं, इसमें भी फोटो खींच सकते हैं, इसमें भी सॉफ्टवेयर अच्छा वाला है, इसमें भी है, पर 12 से ज्यादा है. इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी वैसा ही है, द सेम टू सेम. एक बच्चा अपने पेरेंट्स से, ये जो चाइल्ड है ना, ये अपने पापा से क्या क्या फीचर्स लेते हैं, पापा पेरेंट्स का कुछ कुछ फीचर्स तो बच्चे पे भी आएगा ना. सो दिस इज व्हाट इज इनहेरिटेंस. अब क्या इनहेरिट कर रहे हो अपने पेरेंट्स से, क्या ले रहे हो फीचर्स. ये कैमरा वाला फीचर्स, ये तो अभी अभी उसने थोड़ी ये इम्प्लीमेंट किया है, कैमरा तो पहले भी था कि फोटो खिंचवा सकते. अगर ये फोन के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है तो फोन कैसे चलेगा, वो फीचर्स तो अभी नहीं हुआ है, ये पहले से ही ओल्ड से ही था. पर हाँ, क्या है, वर्जन एक के बाद एक अपग्रेड.